हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने फिर से प्रदेश के मुखिया कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मजबूर नहीं मजबूत मुख्यमंत्री बनकर दिखाइए, सरकार चलाने पर ध्यान दे, सरकार बचाने पर नहीं। चाचौड़ा अस्पताल के ड्रेसर ने अपनी निजी क्लिनिक पर एक महिला का इलाज किया था। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्रेसर के गलत इलाज से महिला चल बसी। विधायक लक्ष्मण सिंह मृतक महिला के घर सांत्वना देने पहुंचे थे। वहां से अस्पताल पहुंचकर उन्होंने रजिस्टर में शिकायत दर्ज की। अस्पताल में गुना कलेक्टर भास्कर लक्षाकार भी मौजूद थे। बेबाक शैली के कारण लक्ष्मण सिंह शुरू से ही मीडिया की सुर्खियों पर सवार रहते हैं। फिलहाल चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर चर्चा में हैं। वहीं उनके समर्थक उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाते रहते हैं। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। डॉक्टरों की कमी के चलते एक ये दुर्घटना ही कहेंगे कि महिला असमय चली गई, डॉक्टर के इलाज की लापरवाही कब पॉइंट करके आप पीड़ित परिवार से मिले सर? जी हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ। एक गरीब परिवार की महिला श्रीमती पुष्पाबाई, पति संतोष कुमार जी, उनकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर रहता है ब्यावरा में और मेरे निरंतर पिछले 10 महीने के प्रयास के बाद ये हाल है। मैं निरंतर मांग कर रहा हूँ चाचौड़ा में डॉक्टर भेजिए। 4 डॉक्टर पदस्थ हुए लेकिन आए नहीं। उस महिला की जान गई, मजबूरी में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ा इलाज के लिए जो डॉक्टर नहीं है, ड्रेसर है। मरीज की आंख देखकर उसने 2 इंजेक्शन ऐसे लगा दिए, पता नहीं कौन से लगाए, जिससे कि ये दुर्घटना घटी है। मैं उस मृतक के परिवार के साथ हूँ। शासन से जितनी ज़्यादा मदद दिला सकेंगे दिलाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी दशा क्यों है। आज 10 महीने हो गए हमारी सरकार को बने, और ये कोई चाचौड़ा में नहीं, मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र में ये हाल है। गुना की जहाँ तक बात करें तो प्रशासन व्यस्त है प्रभारी मंत्री को खुश करने में। जिला योजना समिति की बैठक होती है, क्योंकि मैं इस तरह के सवाल उठाता हूँ और भी कई मुद्दे जो मैं उठाता हूँ, तो मेरी कुर्सी नहीं लगाई जाती, क्योंकि कुर्सी लगेगी तो विधायक बोलेगा कुर्सी मत लगाओ। मेरी कुर्सी पर एक अनजान व्यक्ति ग्वालियर का आके बैठता है और पूरे समय तक बैठक में भाग लेता है, ये संविधान का अपमान है, चाचौड़ा की जनता का अपमान है, क्योंकि मैं जनता ने मुझे चुना है। लक्ष्मण सिंह का अपमान तो लक्ष्मण सिंह को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाचौड़ा की जनता का अपमान है। इसको मैंने विधानसभा स्पीकर को लिख के भेजा है और मैं आशा करता हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष, संविधान की रक्षा करने का दायित्व जिनका है, वो इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक हुई नहीं है, इस बात को 2-3 महीने हो गए हैं और इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास चल रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को एक संदेश है आपके माध्यम से कि आप मजबूत मुख्यमंत्री बन के काम करिए, मजबूर मुख्यमंत्री बन के काम मत करिए। अभी तक जो प्रयास हो रहे हैं, सरकार बचाओ बचाओ बचाओ, अब प्रयास करिए सरकार चलाने के लिए, सरकार चले। अभी नीचे दिख नहीं रही है सरकार, किसी क्षेत्र में देख लीजिए आप, काम नहीं दिख रहे हैं, न मनरेगा के काम दिख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत आप देख रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, कॉलेजेस में जन भागीदार समिति नहीं बनी है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा यही सुझाव है कि सरकार चलाने में ज़्यादा ध्यान दें, बचाने में कम दें। सरकार है जब तक है, जब तक रहेगी। हम तो चाहते हैं 5 साल रहे, लेकिन रहे ना रहे, लेकिन आप
एक मजबूती से काम करके एक मजबूत मुख्यमंत्री बन के बताइए, तभी प्रदेश का भला होगा, प्रदेशवासियों का भला होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।